फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ मुरादाबाद की ACJM 5 की अदालत में वारंट हुआ जारी। कोर्ट में तारीख पर न आने के कारण कोर्ट ने जमानती वारंट किया जारी। 20 अगस्त 2022 को ACJM 5 की कोर्ट में पेश होने के लिए अदालत ने अमीषा पटेल के खिलाफ जारी किया वारंट। अमीषा पटेल और उसके सहयोगियों पर 11 लाख रुपए लेने के बावजूद कार्यक्रम में न आने का है आरोप। 16 नवंबर 2017 को मुरादाबाद में एक शादी के कार्यक्रम में डांस करने अमीषा पटेल को आना था, लेकिन 11 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद भी वे नहीं पहुंची थी। ड्रीम विजन इवेंट कंपनी के मालिक पवन कुमार वर्मा ने अमीषा पटेल के खिलाफ की थी शिकायत। अमीषा पटेल पर मुरादाबाद में धारा 120B, 406, 504 और 506 IPC के तहत मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। पंकज शर्मा। सर, अमीषा पटेल पे ACJM 5 कोर्ट से वारंट जारी हुआ है, क्या है पूरा मामला? प्रकरण ये है कि पवन वर्मा के द्वारा वर्ष 2017 में एक परिवाद आयोजित किया गया था अमीषा पटेल व उसके सहयोगियों के विरुद्ध, जिसमें वर्ष 2019 में न्यायालय ने अमीषा पटेल व उसके सहयोगियों को 406, 420, 504, 506, 120 भी IPC में समन किया था। तब से लगातार ये पैरवी कर रहे थे, बजरिए समन तलब फरमाया जा रहा था, लेकिन ये नहीं हुए, अपियर नहीं हुए लोग ये लोग। उसके बाद हम माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए, जहाँ से अतिशीघ्र अतिशीघ्र मुकदमे के निस्तारण हेतु आदेश प्राप्त हुआ। तत्पश्चात आज न्यायालय के सभी जब हम उपस्थित हुए और हमने प्रार्थना की न्यायालय से, तो न्यायालय के द्वारा अमीषा पटेल व उसके सहयोगियों के विरुद्ध जमानती वारंट 20-20 हज़ार रुपये के किए गए हैं। मेरा नाम पवन वर्मा है, मैं एक ड्रीम विजन के नाम से इवेंट कंपनी चलाता हूँ। 2017 में अभिनेत्री अमीषा पटेल को मैंने एक शादी में डांस करने के लिए बुलाया गया था, जहाँ उनकी जो 11 लाख रुपए की फ़ीस थी, जिसमें आने जाने का खर्चा, होटल, रहना, डांस शो सब कुछ था, वो हमने उनको अदा कर दी थी। उसके बाद वो हमारे टिकट से जो हैं एयर टिकट से दिल्ली आई GW मेरिट होटल में, हमने 5 स्टार में उनको ठहराया, वहाँ पे वो ठहरी, उन्होंने लंच भी किया। उसके बाद उनके सहयोगी सुरेश परमार मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि मैडम कह रही हैं कि आप 2 लाख रुपए और दीजिए, तब हम मुरादाबाद आएंगे। मैंने पूछा क्यों, तो वो कहते हैं आपने हमसे कहा था मुरादाबाद जो है 3-3.5 घंटे लगते हैं पहुँचने के, लेकिन यहाँ हमें बता रहे हैं 6-7 घंटे लगेंगे। मैडम कह रही हैं अगर 3 घंटे में हम पहुँच जाएंगे तो आपको 2 लाख रुपये वापस कर देंगे, वरना हम नहीं आएंगे। मैंने कहा जिनके यहाँ शादी है आप बताइए मैं कैसे उनसे 2 लाख रुपए और मांग लूं। उन्होंने एक नहीं मानी, बिना बताए वो वहां से चली गई, ना ही चेकआउट की फॉर्मेलिटी करके गई। JW मेरिट होटल ने हमें इस बात की एक मेल भी की है, जिसमें लिखा है कि आपके जो गेस्ट है अमीषा पटेल, बिना चेकआउट की फॉर्मेलिटी किए यहां से चली गई, उनके स्टाफ का भी बिहेवियर अच्छा नहीं था। उसके बाद हमने यहाँ पे अपने अधिवक्ता पंकज शर्मा जी के जरिए कोर्ट में एक कंप्लेंट केस दायर किया, जिसमें 2019 में कोर्ट ने आदेशित किया, विभिन्न धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। कई बार सम्मन भेजने के बावजूद भी वो कोर्ट में नहीं आई। आज जो है माननीय कोर्ट ने जो है उनके खिलाफ जो है जमानती वारंट 20-20 हज़ार रुपये के जारी किए हैं। इससे पहले हम हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, हाई कोर्ट ने भी आदेशित किया था कि बोले इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए, लेकिन उन्होंने इसमें कुछ भी नहीं किया, वो आज तक वहाँ पहुँची नहीं कभी भी। कोर्ट से हमारी अपील है कि अमीषा पटेल को यहाँ पर हाजिर किया जाए, जो हमारा पैसा है वो हमें पैसा वापस दिलाया जाए, अगर वो नहीं आती हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जमा करके उनको जो है जेल भेजा जाए, ताकि एक सबक बन सके ऐसे लोगों के खिलाफ कि जो ऐसे लोग हैं, क्योंकि अभिनेत्री या अभिनेता हो वो रोल मॉडल होते हैं, हम उन्हीं के नक्शे कदम पर लोग आज का यूथ चलना चाहता है, अगर वही इस तरीके के फर्जी बना करेंगे तो क्या संदेश जाएगा। सारा पैसा जो उनसे हमारा तय था 11 लाख रुपए का, वो हमने सब उनको दे चुके थे। अमीषा पटेल पे और कोई उनके एक जो है चार लोग हैं, उनकी एक PR कंपनी थी, गोस्वामी राजकुमार गोस्वामी उसके ओनर थे, उनके जरिए हमने उनका पैसा भेजा था, उनके मैनेजर को भी उनका पैसा भेजा था, वो सारा पैसा उनके पास जा चुका है। वो आई भी थी, एयर टिकट भी कराए थे, लग्जरी गाड़ी भी कराई थी, होटल भी कराया था हमने, मुरादाबाद में भी 5 स्टार होटल में रूम बुक कराए थे, वहाँ पर भी दिल्ली में भी हमने JW मेरिट में कराया था। होटल कितने पे वारंट जारी हुआ है? 4 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ है।